नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर एके वर्मा का यूट्यूब चैनल, जहां पे राजनीति विज्ञान के बारे में हम बात करते हैं, कानून के बारे में बात करते हैं, संविधान के बारे में बात करते हैं। हर वो चीज जो हमारे समाज से जुड़ी है, राजनीति विज्ञान से जुड़ी है, उन पर चर्चा होती है। पिछले वीडियो में आपने देखा हमने संविधान पे बात की थी। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो इस वीडियो के आखिर में हम उसका लिंक दे देंगे आपको, आपको नीचे दिखाई देगा, जिसपे आप क्लिक करके संविधान के बारे में जान सकते हैं। संविधान क्या है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, कानून विधान संविधान कैसे अलग है, उन सब पर वीडियो है। इनके साथ बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा और एक सवाल और भी है जो संविधान से जुड़ा हुआ है, तो हम लोगों ने सोचा उस पर हम एक वीडियो बनाएं और आप तक पहुंचाएं। एक शब्द है संविधान के साथ जो जुड़ता है, संविधानवाद। सर, ये शब्द जो है संविधानवाद जो है, जो संविधान के साथ अक्सर प्रयोग होता है, लोग इस्तेमाल करते हैं, संविधान से संविधानवाद अलग कैसे है, मतलब इस शब्द की जरूरत क्यों है? एक्चुअली संविधान और संविधानवाद ये दो शब्द हैं, और अगर मैं आपको इसके बारे में मूल रूप से बताऊं तो इसकी तुलना हम एक शरीर और आत्मा से कर सकते हैं। जैसे कि हम एक मिट्टी का पुतला बना सकते हैं, एक लोहे का पुतला बना सकते हैं, एक लकड़ी का पुतला बना सकते हैं, मोम का पुतला बना सकते हैं, लेकिन उसको जीवित हम नहीं कर पाएंगे। जीवित करने के लिए हमें आत्मा की आवश्यकता होती है और वो हम उसमें नहीं डाल पाएंगे, वो मनुष्य में ही होती है आत्मा। तो जिस प्रकार से एक मनुष्य के पुतले में और मनुष्य में फर्क होता है, उसी प्रकार से संविधान और संविधानवाद सहित संविधान में फर्क होता है। अर्थात कोई भी संविधान एक प्रकार का ढांचा है, जीवंत नहीं होता है। वो जीवंत तब होता है जब उसमें हम संविधानवाद डालते हैं, और वो संविधानवाद आज हम लोग समझेंगे कि वो संविधानवाद क्या चीज है। एक सवाल और है कि क्या ऐसा संभव है कि संविधान हो लेकिन संविधानवाद न हो? ये बिल्कुल संभव है कि संविधान हो और संविधानवाद न हो। इसका मैं आपको दो तीन उदाहरण दे सकता हूं। पहला उदाहरण तो ये है कि जितने भी देश हुए हैं, चाहे वो लोकतांत्रिक हुए हो और चाहे वो लोकतांत्रिक नहीं हुए हो, सभी जगह संविधान होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप कहें कि हिटलर और मुसोलिनी, ये नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये बहुत परिचित नाम है, जाने जाते हैं। तो अगर आप हिटलर की जर्मनी को देखें और मुसोलिनी के इटली को आप देखेंगे, जिनको की पूरी दुनिया जानती है कि वो अधिनायक थे, वो लोकतांत्रिक नहीं थे, वो मनमानी किया करते थे, तो उन देशों में भी आपको एक संविधान मिलेगा। हिटलर का भी एक संविधान था, मुसोलिनी का भी एक संविधान था। इसी प्रकार से जितने भी अधिनायकवादी देश हैं, डिक्टेटरशिप, जिनको हम डिक्टेटरशिप कहते हैं, या जितने भी साम्यवादी देश हैं, जहां पे कि हम सभी लोग जानते हैं कि वहां पे अधिनायकवादी प्रवृत्तियां होती हैं, और उनके पास भी एक संविधान होता है। तो हर प्रकार के देश के पास एक संविधान होता है। लेकिन सवाल यह है कि पिछले वीडियो में जैसा कि हमने देखा था कि संविधान जो बनाया जाता है वो वास्तव में व्यक्ति के ऊपर तो प्रतिबंध लगाता ही है, व्यक्ति को कुछ अधिकार स्वतंत्रता देता है, लेकिन व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध भी लगाता है, और इसी प्रकार वो राज्य और सरकार को भी अधिकृत करता है, और उस राज्य सरकार के ऊपर भी प्रतिबंध लगाता है। तो संविधान का जो मूल भावना है वो ये है कि वो आप पर एक प्रतिबंध लगाए, जिससे कि आप निरंकुश न हो पाए, अधिनायकवादी आप न हो पाए, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो राज्य हो। तो संविधान का मूल भाव तो ये हुआ कि आप व्यक्ति और समाज के हर जो कंपोनेंट्स हैं, राज्य सरकार व्यक्ति समूह, सबके ऊपर कुछ प्रतिबंध हो। तो संविधानवाद का उद्देश्य बेसिकली ये है, उसकी आत्मा ये है, उसका एसेंस ये है कि जिस देश में संविधान तो होता है लेकिन उसमें किसी एक घटक पे कोई प्रतिबंध ही मान्य नहीं होता है। जैसे हिटलर और मुसोलिनी में औरों के लिए तो प्रतिबंध थे लेकिन हिटलर और मुसोलिनी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं था, तो हम कह सकते हैं कि हिटलर का संविधान, मुसोलिनी का संविधान, या और जो डिक्टेटरशिप्स है वहां के जो संविधान है, उसमें जनता पे तो प्रतिबंध होता है लेकिन शासक पे, राज्य पे कोई प्रतिबंध नहीं होता। और इसलिए जो संविधानवाद की मूल आत्मा है वो प्रतिबंधों की मांग करती है, वो सीमित शक्तियों की मांग करती है, कि चाहे कोई कितना से बड़ा शासक हो, तानाशाह हो, कोई भी हो, लेकिन अगर वो अप्रतिबंधित शक्तियों का प्रयोग करता है तो वहां संविधानवाद मृत होता है, वहां संविधानवाद नहीं होता है। और इसलिए जिस देश में, जिस देश के संविधान में संविधानवाद नहीं होता है, वहां का संविधान केवल एक मिट्टी या लकड़ी या लोहे के ढांचे की तरह से होता है, वो जीवंत संविधान।
और एक चीज जो मैंने सर समझा अभी संविधानवाद में कि संविधानवाद वो चीज है जो शासक की शक्तियों को सीमित करती है, मैं सही हूं सर? बिल्कुल। तो अभी मतलब और क्लियरिटी के लिए मैं चाहूंगा कि संविधानवाद को अगर आप भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में समझाएं कि संविधानवाद जितना मैंने कहा उतना तो शायद सर मैं सही हूं अगर, तो संविधानवाद क्या है भारतीय परिप्रेक्ष्य में? देखिए, वो भारतीय परिप्रेक्ष्य हो या कोई भी परिप्रेक्ष्य हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी कंट्री हो, वहां का जो संविधान है वह संविधान अगर व्यक्ति को और राज्य को प्रतिबंधित नहीं करता तो वो संविधान वाद विहीन संविधान है। अगर आपने भारत के संदर्भ में यह प्रश्न पूछा तो मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं, जैसे कि भारत में अगर हम कहें तो ये हो गई भारत सरकार और ये हो गया भारत का नागरिक, अब अगर आप भारतीय संविधान का अध्ययन करेंगे, जैसा कि हम लोग आगे कोशिश करेंगे कि हर धीरे धीरे सिलसिलेवार तरीके से भारतीय संविधान का हम अध्ययन करें, तो अगर आप भारत के संविधान को देखेंगे तो मौलिक अधिकार, सभी हम लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार बहुत ही अहम है, लेकिन उन मौलिक अधिकारों पे नाना प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं, व्यक्तियों के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसी प्रकार अगर आप भारत सरकार को देखेंगे कि व्यवस्थापिक, भारत सरकार का मतलब होता है हमारी संसद, भारत की संसद और हमारा मंत्रिपरिषद और हमारी न्यायपालिका, ये तीन है भारत सरकार। और जब हम संविधान को पढ़ते हैं, जब हम संविधान को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे संविधान ने संसद पे भी प्रतिबंध लगाया है, संसद क्या कर सकती है, संसद क्या नहीं कर सकती है। हमारे संविधान ने मंत्रिपरिषद पे भी प्रतिबंध लगाया है कि सरकार कैसे निर्णय ले सकती है और कैसे निर्णय नहीं ले सकती है। अर्थात अगर संसद ने कोई गलत निर्णय लिया और मंत्रिपरिषद ने कोई गलत निर्णय लिया तो सरकार या राज्य जो भी निर्णय लेता है, अगर वो निर्णय गलत है तो आप जाके न्यायालय में उसको चुनौती दे सकते हैं, और न्यायालय के असंख्य ऐसे उदाहरण है कि न्यायालय सरकार के उन निर्णयों को निरस्त कर देती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि न केवल भारत में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध है, एब्सोल्यूट मौलिक अधिकार नहीं है, इसी प्रकार से भारत की जो सरकार है उस भारत सरकार में भी हमारा संविधान नाना प्रकार के प्रतिबंध लगाता है, भारत सरकार को अप्रतिबंधित शक्तियां प्राप्त नहीं है। यही हाल न्यायपालिका का भी है, न्यायपालिका भी कुछ भी नहीं कर सकती, न्यायपालिका भी अपने निर्णयों को देने में संविधान के प्रावधानों से बंधी होती है। न्यायपालिका ऐसा नहीं कि कुछ भी जाके निर्णय दे दे, उसको भी बताना पड़ता है कि अगर हमने ये निर्णय दिया है तो ये निर्णय क्यों दिया है, क्योंकि ये संविधान के फला प्रावधान के अनुकूल है। तो इस प्रकार से संसद पे भी प्रतिबंध है, मंत्रिमंडल पे भी, मंत्रिपरिषद पे भी प्रतिबंध है, और न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय पे भी प्रतिबंध है, और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर भी प्रतिबंध है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि संविधान जिन दो चीजों का संतुलन बनाता है, व्यक्ति और राज्य, व्यक्ति और सरकार, स्वतंत्रता और शक्ति, इन दोनों कंपोनेंट्स पे भारत का संविधान बाकायदा प्रतिबंध लगाता है, जो कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि संविधान का जो मूल एसेंस है संविधानवाद, वो पूरे समाज में हर कंपोनेंट को प्रतिबंधित करता है, चाहे वो कितना बड़ा तानाशाह हो, कितना हो बड़ा शासक हो, लेकिन वो प्रतिबंध के दायरे से बाहर नहीं हो सकता। और चूंकि भारत के संविधान में ये दोनों कंपोनेंट्स पे प्रतिबंधों का की व्यवस्था है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान में बाकायदा संविधान के साथ साथ संविधानवाद की भी व्यवस्था है। एक सवाल सर और है जो मुझे लगता है कि सब क्लियर होगा कि कोई भी संविधान है उसमें संविधानवाद कैसे लाया जाता है, क्योंकि आपने हिटलर मुसोलिनी का जिक्र किया, तो यहाँ तो कोई लाना भी नहीं चाहेगा, लेकिन अगर कोई एक गणराज्य है, कोई देश है, तो वहां पे संविधानवाद कैसे लाया जाए? देखिए, संविधान में संविधानवाद को लाने के लिए दो प्रमुख तरीके पूरे विश्व में अपनाए गए हैं। पहला तरीका है जिसको कि हम राजनीतिक कहते हैं, और दूसरा तरीका जिसको कि हम न्यायिक कहते हैं। दो तरीके हैं, दो तरीकों से संविधान में संविधानवाद को लाया जा सकता है। पहला जो तरीका है राजनीतिक तरीका, उस तरीके में हमें क्या करना है, उसमें हमें मेन तो देखिए यह है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति के अधिकारों को तो हम सीमित कर ही देते हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो संविधान मौलिक अधिकार उसके प्रावधान सीमित करते हैं। इश्यू आता है कि जब हम अपने
सरकार की डिजाइनिंग करते हैं, तो वो डिजाइनिंग में क्या हम किसी प्रकार के प्रतिबंधों का समावेश कर सकते हैं? यहां पर मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूं। पहला उदाहरण भारत के संदर्भ में आपको और अच्छे समझ में आएगा कि सरकार, जब हम सरकार की संरचना करते हैं तो पहला प्रतिबंध हम ये लगाते हैं कि हम सरकार को टुकड़ों टुकड़ों में शक्तियां देते हैं, अर्थात हम कोई एक संस्था सरकार को सभी शक्तियां नहीं देते। हम कहते हैं कि नहीं, हम सरकार को तीन खंभों में, तीन कंपार्टमेंट्स में विभाजित कर देंगे। और सरकार को हम कैसे विभाजित करते हैं कि हम कहते हैं कि भाई हम हमारी सरकार में तीन तत्व होंगे, संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अर्थात पहला हम स्ट्रक्चरल प्रतिबंध ये लगाते हैं कि हम सरकार की किसी एक एजेंसी को सभी शक्तियां नहीं देते हैं। हम सरकार की जो शक्तियां, संप्रभु शक्तियां हैं, राज्य की जो संप्रभु शक्तियां हैं, कानून बनाने की, कानूनों को लागू करने की और कानूनों को उल्लंघन पर दंड देने की, पहला काम तो हम ये करते हैं कि उनको हम तीन टुकड़ों में बांट देते हैं। एक संस्था कानून बनाएगी, संसद, दूसरा उसको लागू करेगी, कार्यपालिका, और तीसरा उसके उल्लंघन पर दंड देगी, न्यायपालिका। पहला काम तो हम ये करते हैं। इसी प्रकार से अगर हमारा हमारी व्यवस्था, जैसे भारत में आपने पूछा विशेष रूप से कि भाई भारत में और क्या क्या है, तो भारत में हम जानते हैं कि संघात्मक व्यवस्था है। तो हम दूसरा काम ये करते हैं कि पूरे राज्य में एक एक सरकार को हम शक्तियां नहीं देते। हमने सरकार जो बनाई, ये जो हमने सरकार बनाई, इस सरकार में हमने सरकार को तीन खंडों में विभक्त कर दिया। एक हमारी केंद्रीय सरकार है जिसको हम संघीय सरकार के रूप में जानते हैं, दूसरा हमारी प्रांतीय सरकारें हैं और तीसरा हमारी स्थानीय सरकारें हैं, अर्थात पंचायती राज जो संस्थाएं हैं या म्यूनिसिपल जो गवर्नमेंट है वो है। तो इस प्रकार से जब हम सरकार की बात करते हैं कि हमने सरकार को भी तीन खंडों में विभाजित कर दिया, एक जो पूरे देश का शासन देखेगी लेकिन सब कुछ नहीं देखेगी, दूसरा जो प्रांतों का शासन देखेगी और केवल अपने प्रांतों का शासन देखेगी, लेकिन प्रांतों में भी स्थानीय शासन हमने 73वां और 74वां संशोधन करके हमने पंचायतों को, म्युनिसिपैलिटी को दे दिया है। तो इस प्रकार से दो प्रमुख प्रयोगों से हमने भारत में संविधानवाद को लागू किया है, जिससे कि सरकार की शक्तियों को ही हमने सीमित नहीं किया है बल्कि संरचनात्मक ढंग से भी हमने किसी एक एजेंसी के पास सारी संप्रभु शक्ति नहीं दी है, बल्कि उसको न केवल व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विभाजित कर दिया है, बल्कि उसको हमने केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर की सरकारों में भी बांट दिया है। इस प्रकार से पहला प्रयोग। दूसरा प्रयोग न्यायिक होता है कि कैसे किसी देश में हम इसका संरक्षण करते हैं संविधानवाद का, कि प्रतिबंध लगा देना एक बात है लेकिन उन प्रतिबंधों को वास्तव में व्यावहारिक रूप देना, क्या यह संभव है? कैसे उन प्रतिबंधों को हम देखें कि वो प्रतिबंध लागू भी हो सकते हैं? और इसके लिए न्यायपालिका को हम अपनी विशेष एजेंसी बनाते हैं और न्यायपालिका को हम स्वतंत्रता देते हैं, और न्यायपालिका को स्वतंत्रता देने के साथ साथ हम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देते हैं उसको हम न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार देते हैं, जिसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। तो न्यायपालिका को हम न्यायिक पुनर्निरीक्षण या जुडिशियल रिव्यू का अधिकार देते हैं, और ये जो न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है वो इतना महत्वपूर्ण अधिकार है कि वो किसी भी संस्था के द्वारा, संसद के द्वारा, कार्यपालिका के द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा, प्रांतीय सरकार के द्वारा, स्थानीय सरकार के द्वारा, किसी भी सरकार के अंग के द्वारा अगर कोई भी गलत काम किया जाता है तो उस गलत काम को निरस्त कर देती है, वो समाप्त कर देती है, उसको कहती है कि वो असंवैधानिक है। और इस प्रकार से न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार देके हम पूरे सरकार के क्रियाकलापों पर एक अंकुश रखते हैं, एक नियंत्रण रखते हैं, जो कि संविधानवाद की दूसरी महत्वपूर्ण संरचनात्मक व्यवस्था हमारे भारतीय संविधान में की गई है। और इस प्रकार से दो प्रमुख विश्व में पूरी प्रवृत्तियां हैं, एक संरचनात्मक दृष्टिकोण से और दूसरा न्यायिक ढंग से, जिससे कि हम भारत या किसी भी देश में संविधानवाद को संविधान में आरोपित कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच सर। और मेरे साथ थे डॉक्टर ए के वर्मा और आज हमने संविधानवाद समझा। ये बहुत अच्छा है, हर सवाल का जवाब मिल जाता है, लेकिन सर बहुत ऐसे शब्द दे देते हैं जिन पे अलग से वीडियो बन सकता है, तो मैं तो सर से कहूंगा ही कि इस पे जल्दी हम लोग वीडियो बनाएं। आपके मन में अगर कोई सवाल है, कुछ अगर ये पूरा वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद आपको लगता है कि किसी और मुद्दे पे कुछ और आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। सर संभव होगा तो उस पर वीडियो बनाएंगे, नहीं तो आपके कमेंट पे रिप्लाई करेंगे आपको। और किसी और भी मुद्दे पे इसके अलावा भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट लिखिए, बताइए हमको। आप अपनी राय देते रहिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। और एक बार फिर से मैं सबसे आखिर में अपने बारे में और सर के बारे में बता देता हूं।
सर सीएसएसपी के निदेशक है, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके निदेशक है। कानपुर के क्राइस्टचर्च कॉलेज में 40 साल तक इन्होंने राजनीति विज्ञान पढ़ाया, पॉलिटिकल साइंस के एचओडी रहे डिपार्टमेंट के। और मैं पंकज कुमार, मैं सर से सवाल पूछते रहता हूं और यहां पर आपसे मिलता हूं। आपको ऐसे ही अगर और वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे आपको बेल आइकन दिख रहा होगा उस पर प्रेस करिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें, ऐसा सामान्यता होगा कि हफ्ते में 2-3 वीडियो हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपने संविधान का वीडियो मिस कर दिया है तो नीचे आपको उसका लिंक दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करिए और संविधान क्या है वो समझिए।